मथुरा के भिन्न भिन्न तीर्थों का महात्म्य मोहिनी बोली, पुरोहित जी मैंने अवंतिका का महात्म्य सुना जो मनुष्य के पाप दूर करने वाला है, अब मैं मथुरा का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी सुनो, मैं मथुरा के कल्याणकारी वैभव का वर्णन करता हूँ, जहाँ ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर साक्षात भगवान अवतरणी हुए थे। वहाँ प्रकट होकर भगवान नंद के गोकुल में गए और वहीं रहकर उन्होंने गोपी के साथ सब लीलाएं की वनों में तथा गोपों के साथ सब लीलाएं की वनों में तथा मथुरा में जो जो तीर्थ हैं उसका तुमसे इस समय वर्णन करता हूँ। सुनो, पहला मधुवन है जहाँ स्नान करने वाला श्रेष्ठ मानव देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। दूसरा उत्तम ताल वन है जहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करने वाला मानव कृतकृत्य होता है। तीसरा मुकुद वन है जहाँ स्नान करके मनुष्य मनोवांछित भोगों को पा लेता है और इहलोक और परलोक में आनंदित होता है। चौथे का नाम काम्य वन है, उसमें बहुत से तीर्थ है, वहाँ की यात्रा करने वाला पुरुष विष्णु लोक का भागी होता है। बद्रे वहाँ जो विमल कुंड है वह सब तीर्थों में उत्तम से उत्तम है, वहाँ दान करने वाला मनुष्य वैष्णव वैकुंठ धाम पाते हैं। पांचवा बहुला वन है जो सब पापों का नाश करने वाला है, वह स्नान करने वाला मनुष्य संपूर्ण कामना को प्राप्त कर लेता है। छठा भद्र वन नामक वन है जहाँ स्नान करने वाला मानव भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से सब कल्याण ही कल्याण देखता है। वह सातवां खदीर वन है जिसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। आठवां महावन है जो भगवान श्रीहरि को सदैव प्रिय है, उसका भक्तिपूर्वक दर्शन करके मनुष्य इंद्रलोक में आदर पाता है। वहाँ नवा लोह जंध वन है जहाँ स्नान करके मनुष्य भगवान महाविष्णु के प्रसाद से भोग और मोक्ष पाता है। दसवा बिल्व वन है जहाँ स्नान करने वाला मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार ऋषिलोक तथा अथवा विष्णुलोक में जाता है। ग्यारहवा भांडरिक वन है जो योगियों को अत्यंत प्रिय है, वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बारहवा वृंदावन है जो समस्त पापों का उच्छेदन करने वाला है। सती मोहिनी इस पृथ्वी पर उसके समान दूसरा कोई वन नहीं है, वहाँ स्नान करने वाला मानव देवता और ऋषियों तथा पितरों को तर्पण करके तीनों ऋणों से मुक्त हो विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। मथुरा मंडल का विस्तार 20 योजन है, जहाँ कहीं भी स्नान करने वाला पुरुष भगवान विष्णु की भक्ति पाता है, उसके मध्यभाग में मथुरा नाम की पुरी है जो सर्वोत्तम पुरियों में भी उत्तम है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य भगवान माधव की भक्ति प्राप्त कर लेता है। नरेश्वरी वहाँ विश्रांति मतलब विश्राम घाट नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ रत्न है, जिसमें भक्तिपूर्वक स्नान करने वाला मानव विष्णुधाम में जाता है। विश्राम घाट से दक्षिण उसके पास ही विमुक्त नाम का उत्तम तीर्थ है, जहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करने पर मनुष्य निश्चय ही मोक्ष पाता है। वहाँ से दक्षिण भाग में राम तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मनुष्य अज्ञान बंधन से अवश्य मुक्त हो जाता है। वहाँ से दक्षिण संसार मोक्षण नामक उत्तम तीर्थ है, उसमें स्नान करके मनुष्य विष्णुलोक में प्रसन्मानित होता है। उससे दक्षिण भाग में देवदुर्लभ प्रयाग तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मानव अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। उसमें दक्षिण तिंदुक तीर्थ है, उसमें स्नान करने वाला श्रेष्ठ मानव राजसु यज्ञ का फल पाकर देवलोक में देवताओं की भांति प्रसन्न रहता है। उसमें दक्षिण पट्टू स्वामी तीर्थ है जो सूर्यदेव को अत्यंत प्रिय है, वहाँ स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव का दर्शन करने से मनुष्य भोग भोगने के पश्चात देवलोक में जाता है। भद्रे उसमें दक्षिण परम उत्तम ध्रुव तीर्थ है, जहाँ स्नान करके ध्रुव का दर्शन करने से मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। ध्रुव तीर्थ से दक्षिण भाग में सप्तर्षि सेवित तीर्थ है, जहाँ स्नान करके मुनियों का दर्शन करने से मनुष्य ऋषि लोक में आनंद का अनुभव करता है। ऋषि तीर्थ से दक्षिण परम उत्तम मोक्ष तीर्थ है, जहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उससे दक्षिण बोधिनी तीर्थ है, जहाँ स्नान करके पितरों को पिंडदान देने वाला पुरुष उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। उससे दक्षिण कोटि तीर्थ है, जहाँ स्नान करने से मानव सब पापों से छुटकर विष्णुलोक को पाता है। विश्राम घाट के उत्तम भाग में असी कुंड तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मनुष्य वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। उससे उत्तर संयमन तीर्थ है, जहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं होता। उससे उत्तर घंटा वरण नामक ब्रह्मलोक है, जो स्नान करने मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला और ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला तीर्थ है। उससे उत्तर
परम उत्तम सोम तीर्थ है, जहाँ गोता लगने वाला श्रेष्ठ मानव पाप रहित हो चंद्रलोक में जाता है। उससे उत्तर प्राची सरस्वती तीर्थ है, जिसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य वाणी का अधीश्वर होता है। उससे उत्तर दशाश्वमेघ तीर्थ है, जहाँ स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य वहाँ गोपर्ण नामक शिव की विधि पूर्वक पूजा करता है, वह संपूर्ण कामना को पाकर अंत में शिवलोक में प्रसन्मानित होता है। उससे उत्तर अनंत तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मनुष्य करने वाला मानव मथुरा के 24 तीर्थों का फल पाता है। महाभागे मथुरा में साक्षात विष्णु चतुर्व्यूह रूप से विराजमान है, जो मथुरा वासियों को मोक्ष प्रदान करते हैं। उन चार व्यूहों में पहली वारा मूर्ति है, दूसरी नारायण मूर्ति है, तीसरी वामन मूर्ति है और चौथी हलधर मूर्ति है। जो मनुष्य चतुर्व्यूह रूपधारी भगवान का दर्शन करके एक उनकी विधि पूर्वक पूजा करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। रंगेश्वर भूतेश्वर महाविद्या तथा भैरव का विधिपूर्वक दर्शन और पूजन करके मनुष्य तीर्थयात्रा का फल पाता है। चतुर्सामुद्रिक कूप कुब्जा कूप गणेश कूप तथा श्री कृष्ण गंगा में स्नान करके मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। महाशुभानने समस्त मथुरा मंडल के अधिपति हैं भगवान केशव, जो संपूर्ण कलेशों का नाश करने वाले हैं। पवित्र मथुरा मंडल में जिसने भगवान केशव का दर्शन नहीं किया उसका जन्म व्यर्थ है। मथुरा में और भी असंख्य तीर्थ हैं, उनमें स्नान करके वहाँ रहने वाले ब्राह्मण पुरोहितों को कुछ दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता।